दोस्तों आज हम फिर मधुसूदन जी पटवारे के यहाँ पर ये तरबूज से लवालब फील्ड में अब आए हैं दोस्तों। मैग्नीशियम के साथ यूरिया 3-3 किलो। दो से तीन ट्रिंचिंग अगर ले लेते हैं तो क्या पौधे का विकास जो रहता है वो शुरू से एक जैसा भरा हुआ रहता है। अगर अपन बीमारी आने का वेट करते हैं तो फिर अपने को भी टेक्निकल चाहिए। अपन ने 4 दिन का गैप करा, 5वें दिन अपन ने एक स्प्रे कर दिया। नमस्कार दोस्तों, फार्मिंग तकनीक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर मधुसूदन जी पटवारे के यहाँ पर ये तरबूज से लवालब फील्ड में अब आए हैं दोस्तों। इसके पहले भी हम यहाँ पर आए थे, आपने देखा होगा पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने देखा था कि ड्रिप और मल्चिंग के क्या स्पेसिफिकेशन होते हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी हमने दी थी, और पार्ट 2 में तरबूज की नर्सरी कैसे प्रिपेयर करना है इसके बारे में A to Z जानकारी हमने दी थी। दोस्तों ये वीडियो जो है तरबूज की खेती पार्ट 3 होने वाला है, और इसमें हम कैसे इस शानदार फील्ड को मेंटेन करने के लिए फर्टिगेशन स्प्रे और ड्रेंचिंग शेड्यूल मेंटेन किया गया है इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अभी तक आपने अगर फार्मिंग तकनीक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ही लें दोस्तों, क्योंकि इतनी सटीक और इतनी व्यवस्थित जानकारी आपको केवल फार्मिंग तकनीक पर ही मिल सकती है। चलिए दोस्तों, इस बाड़ी के जो ऑनर है, इस फील्ड के जो ऑनर है मधुसूदन जी पटवारे, इनसे बात करते हैं। नमस्कार। मधुसूदन जी, बहुत शानदार आपने ये फील्ड मेंटेन कर रखी है। यहाँ पर ये साइज भी अच्छा बन गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये 1 किलो के लगभग का ये साइज बन गया है। और ज़्यादातर फ्रूटिंग दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये बेड के ऊपर ही दिखाई दे रही है दोस्तों, ये देखिए, जो कि बहुत अच्छा साइन है इस फसल के लिए और खरबूज की फसल के लिए। ज़्यादातर मैक्सिमम फ्रूटिंग यहाँ पर बेड के ऊपर ही है। तो मधुसूदन जी, ये प्लांटेशन के बाद से आपने इसमें सबसे पहले फर्टिगेशन क्या क्या लिया है उसके बारे में जानकारी दें। अपन ने फर्टिगेशन जो स्टार्ट किया है वो कम से कम प्लांटेशन के बाद 5 से 6 दिन तो अपन ने उसमें कुछ भी नहीं किया, पानी तक भी नहीं दिया। अच्छा। जो पहले से बेड गीले थे अपने, मौसम ठंडा था, क्योंकि अपना ये 25 जनवरी का प्लांटेशन किया हुआ जी। है पहला आपका जो ड्रिप के साथ आपने जो लिया था फर्टिगेशन, वो मैग्नीशियम प्लस यूरिया, मैग्नीशियम और यूरिया लिया था 3-3 किलो। हाँ, उसके बाद 1919 के साथ ह्यूमिक एसिड, 1919 के साथ ह्यूमिक एसिड, वो कितने दिन के अंतराल पर? 2 दिन के अंतराल, दो दिन का गैप कर, जो भी है वो 2 दिन के अंतराल में रहेगा, वो 2 दिन का गैप पे, मतलब पहले महीने तक 30 दिन तक, 30 दिन के बाद अपन ने फिर उसको रेगुलर स्टार्ट कर दिया। और ये दूसरा जो है ह्यूमिक एसिड और 1919, तीसरा इसके बाद में आपने 1261 हो गया, 1260 केवल 1260 लिया, 1260 ये भी 3 किलो। हाँ, तो इसके बाद नेक्स्ट जो आपने फर्टिगेशन दिया है वो कौन सा? वो 1340-13 हो गया, फिर वापस 1919 हो गया। 1340-13 सर आपने जल्दी ले लिया इसका? जल्दी, थोड़ा सा पौधे की ग्रोथ कमज़ोर थी हमारी। हाँ। और तना भी मतलब वीक था। हाँ। थोड़ा सा फास्फोरस अधिक मिलने से तना भी बढ़िया रहता है और पोटेशियम भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है। 1919 से थोड़ी सी बाढ़ ज़्यादा होती है, लेकिन इससे 1340-13 से ग्रोथ भी अच्छी होगी और नीचे जड़ों का विकास अच्छा होगा। तो दोस्तों ये 1340 जो फर्टिगेशन है वो थोड़ा सा लेट देते हैं, लेकिन मधुसूदन जी ने जल्दी लिया है, उसका कारण भी आपको अभी बताया है। तो ये 1260 1340 13 ये जो है ये भी 2-2 दिन के अंतराल में लिए हैं। इसके बाद में सर नेक्स्ट खाद कौन सा लिया है आपने? उसके बाद वापस रिपीट यही हुए, उसके बाद ये एक बार रिपीट किया, तो इस तरीके से लगभग 1 महीने की फसल। बीच में जैसे अपना 20 से 25 दिन हो गया, मतलब उसके बाद अपन ने एक बार कैल्शियम नाइट्रेट लिया, कैल्शियम के साथ बोरान दिया जी, सारे खाद के साथ 50 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट चला अपना, मतलब पहले दिन से ही जब भी खाद दिया उसके साथ अलग से माइक्रोन्यूट्रिएंट कुछ नहीं दिया, जो भी खाद दे रहे थे उसमें 50 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐड करके चलाया अपन ने लास्ट में।
उसके बाद जहाँ 30 से 35 दिन की अब फ्रूटिंग स्टार्ट होना शुरू हो गई, छोटे छोटे कैप्सूल बनने शुरू हो गए, उस दिन से अपन ने मतलब आज करीबन मेरे को 20 दिन के लगभग हो गए फ्रूटिंग स्टार्ट के बाद से अपने खाट डेली चल रहे हैं। उसमें एक दिन चलता है 52-34, एक दिन चलता है 12-61, एक दिन चलता है 13-40-13, एक दिन चलता है 13-0-45। ठीक है, 13-0-45 भी लोग सबसे लास्ट में लेते हैं, लेकिन पौधे के तने के मजबूती के लिए चलाना ज़रूरी है, इसलिए अपन ने वो भी चला। उसके बाद अपन ने 3 किलो यूरिया, 3 किलो मैग्नीशियम, जो भी क्वांटिटी रहती है वो सब सारे खादों की 3-3 किलो पर एकड़ के हिसाब से चलाते हैं। इससे डोज अपन ने कभी बढ़ाया भी नहीं और कम भी नहीं करा। तो ये जो आपने 5 जो खाद जो बताए हैं उसके बाद में आपने ये इसको रिपीट कर, ये साइकिल, ये साइकिल अपनी चलती है। और ये सर इसके साथ एक बार अपन ने अमोनियम सल्फेट लिया, उसके जिंक भी ऐड किया, जैसे अपना 13-40-13 हो गया, उसके साथ अपन ने जिंक डाल दिया। और इसके इसमें सर आप ये फेरेस वगैरह भी डालते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिया अभी। ये जो शेड्यूल है वो हर एक की क्वांटिटी 3 किलो के साथ में ये रिपीट करते गए। हाँ। लेकिन अभी ये टाइम आ गया है सर कि ये साइज भी मतलब अच्छा बन गया और अब लगभग 10 दिन का ये समय लेगी। तो दोस्तों ये 1.5 महीने की ये फसल हो गई है और 10 दिन और लेगी दोस्तों, 50-55 दिन में ये तरबूज यहाँ से बाहर हो जाएंगे। जैसे अभी कितने पूरे गिन के 10 दिन बचे हैं, तो उसमें सर आप क्या शेड्यूल फॉलो करेंगे? अभी अपना चलेगा कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, 13-0-45 हो गया है ना, 52-34 हो गया, 13-40-13 हो गया। हाँ। ये तो चलेंगे ही अपने, कभी 12-61 एड करते हैं अपन 52-34 के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। हाँ। ना 3 किलो वो हो गया तो 2 किलो उसमें अपना 12-61 एड कर दिया जी। उसके बाद अपना अमोनियम दे रहे हैं तो उसके साथ 0-0-50 दे दिया अपन ने, 52-34 के साथ अपन ने 0-0-50 एक किलो एड कर दिया। 0-0-50 आखिरी में नहीं, अभी जो अब ये 10 दिन है, अब 10 दिन में अपन 0-0-50 सिंगल ना देते हुए ये खादों के साथ अपन 1-1 किलो 2-2 किलो अपन ऐड करते जाएंगे, तो अपना अपना वो तो मिल ही रहा है, साथ में अपन ये पोटाशियम ज़्यादा दे रहा है ताकि अपने फल का साइज जल्दी बने और उसको अपने को अलग से पकाने के लिए बाद में एक्स्ट्रा नहीं देना पड़े। जैसे अपने फल साइज लेते हैंगे और उसकी प्रोसेसिंग भी अपनी साथ में चलती रहेगी। भाई लोग क्या करते हैं कि अपन आखिरी एंडिंग का समय हुआ उसके बाद अपन 0-0-50 कंटिन्यू छोड़ेंगे, तो अपन वो कंटिन्यू छोड़ने की बजाय अपन 1-1.5 किलो अपन अलग से अपन ऐड करते हैं कि पहले से ही वो उसको बूस्ट अप करता है। हाँ बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। तो फिर क्या है, सभी लोग अपनी अपनी तकनीक के हिसाब से अपने अपने हिसाब से, अपन भी सोच रहे हैं कि कुछ नया प्रैक्टिकल करते रहे, कुछ तो अनुभव मिले, नहीं तो अपने को कोई नुकसान तो होना नहीं है। खेती तो सर ये अपने को एक वरदान दिया है ऊपर वालों ने कि आप प्रैक्टिकल करते रहे और प्रैक्टिकल करने के बाद ही सीखने को मिलेगा जो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद में सर ड्रेंचिंग के बारे में बताएं, ड्रेंचिंग क्यों लेते हैं सबसे पहले ये बताएं, और उसके बाद में ड्रेंचिंग आपने इसमें ली है क्या, तो उसके बारे में भी बताएं। ड्रेंचिंग लेते हैं, हाँ मैंने भी समझो एक ही ली थी, उस समय क्या थोड़ा सा काम ज़्यादा हो गए थे तो ड्रेंचिंग कर नहीं पाए, अपन करवा भी नहीं पाए, मजदूरों की भी दिक्कत आ गई थी, चने गेहूँ के भी चने वगैरह कटने का समय आ गया था। अपन ने एक ड्रेंचिंग ली थी, उसमें अपन ने 19-19 लिया था, 19-19 के साथ हुमिक एसिड ऐड करा था जी। उसके बाद डायरेक्ट हमने फर्टिगेशन स्टार्ट कर दिया, 7वें से 8वें दिन से हमने फर्टिगेशन स्टार्ट कर दिया, 2 दिन का गैप करके। सर ये ड्रेंचिंग लेना क्यों पड़ता है, ये भी बता सकते हैं? लेना ये सारे हमारे जैसे अपना पौधा अपन लगाते हैं उस समय उसकी जड़ रहती है इतनी सी जगह पर। अब अपन मान लो जैसे फर्टिगेशन कर रहे हैं, अब अपन इतने बड़े प्लॉट में 3 किलो जैसे चला भी रहे, 2.5 किलो 3 किलो, तो वो 3 किलो अपने को एग्जैक्ट तो रहता नहीं कि अपना हर ड्रिपर के पास अपना पौधा हो, तो अपने को ड्रिप चलानी रहती 10 से 15 मिनट। अब 10 से 15 मिनट में हो सकता है कि उस पौधे तक अपनी दवाई या खाद जो भी दे रहे हैं वो पहुँचे भी नहीं, और जड़े का विकास तो इतना रहता नहीं कि वो जड़े मतलब अपनी ओर खींच सके उनको, तो मेन कारण रहता है जड़ों को खोलने का और जड़ों का विकास के लिए। अब भाई उसको अपन ने न्यूट्रिशन अपन ने इधर से मतलब खाद डाल दिया, फर्टिगेशन डाल दिया और पौधे तक पहुंचा नहीं, तो वो मतलब नहीं निकलेगा। फिर क्या रहता है कि जिस पौधे को मिल गया उसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी, जिसको नहीं मिला उसकी कमज़ोर रहेगी। हाँ, तो वो मेन कारण ड्रेंचिंग का वो रहता है। 2 से 3 ड्रेंचिंग अगर ले लेते हैं तो क्या पौधे का विकास जो रहता है वो शुरू से एक जैसा भरा हुआ रहता है, सारे पौधे में एक जैसा रहता है। और दूसरी चीज़ कि अपन कितना कम समय भी ड्रिप चलाएंगे तो भी अपने को 15 से 20 मिनट तो ड्रिप चलानी ही पड़ेगी। बिल्कुल, 5 मिनट तो अपनी लाइन भराने का हो गया, 15 से 20 मिनट अपन खाद चलाने का हो गया। अब कितना भी मतलब 15 से 20 मिनट अगर खाद चला रहे हो तो उसमें क्या रहता है कि कोसे पौधे तक पहुँचता है, कोसे तक नहीं पहुँच पाता, जो एग्जैक्ट ड्रिपर के ऊपर लगा वहाँ तो पहुँच जाएगा। उसके बाद भी वो उससे भी देंगे तो अपन एक ड्रिपर कम से कम आधा लीटर पानी फेंक देता है, 2 लीटर डिस्चार्ज पे। बिल्कुल, अब आधा लीटर पानी फेंक दिया तो उसकी जड़ों से तो नीचे चला गया आधा खाद,
अब अपन जो देना चाहते हैं वो तो उस पौधे को की जड़ों को देना चाहते हैं उस समय। अब जड़ों से नीचे खाद गया वो अपना काम खत्म हो गया भाई, उतना तो अपना वेस्टेज गया, जितना जड़ों तक गीली रहेगी उतना तो उसने एक्सेप्ट किया, बाकी जो गया वो खत्म हो गया। अभी जैसे क्या रहता है, अभी अपन रहते हैं तो पूरी जड़ें इसमें जितना पौधा ऊपर रहता है बेस बनाता है उतना नीचे भी बनाता है, तो अभी तो कहीं भी गिरेगा तो उसको पूरा अभी तो तो वो इसी कारण ड्रेंचिंग का मेन रहता है। करीबन करीबन 3 से 4 ड्रेंचिंग तो ज़रूरी है। और सबसे एक बात यह है कि ये फसल है कम समय की, आज 55 दिन में मतलब 55 से 60 दिन के बीच में कंप्लीट हो जाती है। अब 55 से 60 दिन में कंप्लीट हो जाती है तो अगर शुरू से अपन 15 से 20 दिन तक अगर इसके पौधे को नहीं संभालेंगे तो फिर पौधे तो आगे पीछे होना ही है भाई। लंबी फसल रहती है तो ऐसा सोचते हैं कि यार 8 दिन 10 दिन का फ़र्क मायने नहीं रखता, लेकिन इन चीज़ों में 8 से 10 दिन का फ़र्क बहुत बड़ा मायने रखता है भाई। जो पौधा आज चल गया और जो पौधा 4 दिन के बाद चला वो 4 दिन के बाद अलग ही दिखेगा तुमको। ये सारी समस्याओं के कारण ड्रेंचिंग लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ये भी कमेंट करके पूछते हैं कि जैसे यूरिया है वो इसमें कितने दिन के अंदर तक चलाना, उसके बाद नहीं चलाना? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है यूरिया का। तो मैंने तो अभी पिछले मतलब 8 दिन पहले भी दिया था। लोग नहीं देते, लोग बोलते हैं कि एकदम भड़क जाएगा या कुछ थिप सका मतलब एक्स्ट्रा हो जाएगा, इस टाइप के लोगों के रहता है मन में। बाकी भाई अपन ने तो पहले ही बोला था सबसे पहला वर्ड्स कि इस बार अपने को प्रैक्टिकल करना है, तो जो चीज़ के बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे तो क्यों नहीं। जैसे अब अपन 19-19 बार बार चला रहे हैं, है ना, अपने को नाइट्रोजन देना, तो नाइट्रोजन क्यों नहीं अपन 19-19 जो 150 रुपये पौने 200 रुपये किलो का पड़ रहा है, वही जगह अपन कभी अपने को 10-12 रुपये किलो का चीज़ मिल रही है एक उदाहरण के लिए, तो क्यों नहीं अपन उससे पूर्ति कर दें उसकी। बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं कि अपन एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसको, जितनी रिकमेंडेड रहती है ज़मीन की अपन उस हिसाब से दे रहे हैं। अब इसमें अपना करीबन 1 एकड़ में 10 से 12 किलो 19-19 10 किलो 19-19 गया है, उससे ज़्यादा नहीं गया। अब भाई अगर अपने को खर्चा भी बचाना है तो थोड़ा सा अपने अपने बजट के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। अब भाई बोलने को तो अपन बोल दें कि भाई तुम ये भी डाल दो वो भी डाल दो, लेकिन सामने वाले व्यक्ति का फिर बजट भी तो चाहिए। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इस पर आप अंत तक बने रहिए। इसके बाद अब हम बात करते हैं इसमें स्प्रे आपने कौन कौन सा कैसे शेड्यूल फॉलो किया स्प्रे के लिए, कि आपने मतलब प्रिवेंटिव टाइप का स्प्रे लिया है कि जैसे बीमारी आने के पहले ही ये स्प्रे कर दिया या फिर बीमारी आने के बाद? बीमारी आने के बाद तो देखिए क्या चीज़ है कि बीमारी आने के बाद अगर स्प्रे कर रहे हो तो इसका कोई ज़्यादा बेनिफिट मिलता नहीं है, और इस फसल पे तो बिल्कुल नहीं मिलता क्योंकि तुम्हारा खर्चा और बढ़ जाएगा। तो अपन ने तो एक साइकिल बना ली थी 8 से 10 दिन छोड़ के, 7-8 दिन के बाद एक साइकिल बना ली कि अपने को 4-5 दिन का गैप करके एक स्प्रे चाहिए, चाहे उसमें कुछ भी ले लो, कभी थर्मोथेक्सम ले लो, कभी एलिका ले लो, कभी अपना इमामेक्टिन हो गया, है ना, इस टाइप के कुछ रेस्टिसेक कीट जैसे इमिडाक्लोरोपिड हो गया, इस टाइप के मतलब कुछ ना कुछ जैसे फिप्रोनिल हो गया 5% पे, मतलब इस टाइप की अपन ने एक साइकिल बना ली कि वो साइकिल को अपने को रूटीन करना है ना। रोगोर हो गया मतलब क्लोरो हो गया, प्रोफेनो हो गया, मतलब जो नॉर्मल दवाइयाँ हैवी टेक्निकल की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। अगर अपन बीमारी आने का वेट करते हैं तो फिर अपने को हैवी टेक्निकल चाहिए। अपन ने 4 दिन का गैप करा, 5वें दिन अपन ने एक स्प्रे कर दिया। मैं बोल रहा हूँ कि अगर 5वें दिन अगर स्प्रे कर रहे हो तो अपना बजट कम बैठ रहा है, ना कि अपन 8 दिन का गैप करके एक स्प्रे हैवी लो और उसके बाद अगर बीमारी का अटैक आ गया तो वाला दिमाग पर टेंशन है अलग। 4 दिन हो गए अपने आज स्प्रे करवाया, 4 दिन का गैप करो, 5वें दिन डबल से स्प्रे करवा दो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने को 10 स्प्रे लगना है। 10 स्प्रे ये है तो अपन ये तो है कि अपने को 10 स्प्रे 1000 रुपये से ऊपर का स्प्रे नहीं जाएगा क्योंकि ये जो इसमें फिर कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो मतलब जिनका सामना अपने को करना पड़ा, हालांकि वो बीमारियां मतलब आती नहीं है। मैंने आज तक मतलब लोग जैसे बोलते भी हैं ये जो मतलब प्रॉपर काफ़ी समय से कर रहे हैं कि बोले भैया हम तो इतने साल से कर रहे हैं हमारे में ये बीमारी नहीं है। अब अपने में आने का रीज़न तो फिर अपने को भी नहीं पता। इसमें जैसे तना फटने वाली दिक्कत आई थी सबसे स्टार्टिंग में, जिसको गम्बोसेस बोलते हैं, उसके बाद जब बेल चालू हुई तो उसके बाद एक बार बेल फटने की दिक्कत आई थी। तो एक बेल फटने का तो कारण अपने को ये लगा कि थोड़ा सा कैल्शियम की कमी भी हो सकती है, अपन एक रीज़न वो भी बता सकते हैं कि यार कैल्शियम, क्योंकि शुरू से अपन ने पहले महीने में अपन ने 25 दिन तक अपन ने कैल्शियम दिया नहीं, हालांकि उस समय ज़्यादा ज़रूरत रहती नहीं कैल्शियम की, लेकिन फिर भी एक आध बार अपने को चला देना चाहिए, नहीं ज़्यादा 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले लो। हाँ वो आते ही वाटर सोल्युबल उनका रिलेटेड ही आता है, उसके साथ बोरान अपन ने चलाया। उसके बाद अपन ने स्प्रे लिया, इसमें फॉली केयर आता है, इसमें टेबू को ना जो 25% आती है
उसका स्प्रे लिया, अपने को रिलीफ पूरा मिल गया। एक बार अपन ने जब तना गमोसेस वाली दिक्कत है, जिसमें अपन ने केब्रियो टॉप लिया, केब्रियो टॉप ले सकते हो, उसमें एक और ले सकते हो, लूना ले सकते हो जो वायर का आता है, मतलब ये उन्हीं चीज़ के लिए बने स्प्रे से। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आपको दोस्तों ये जानकारियाँ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, आपकी कमेंट्स का दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ खूब 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 शेयर करें, क्योंकि उनको भी ये जानकारी मिलना और भी सारे किसान भाइयों को ये जानकारी मिलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट जो मधुसूदन जी ने कर रखे हैं, वो और भी कई एक्सपेरिमेंट्स को मिलाकर, मतलब दूसरों से भी कई चीज़ें ली गई हैं, सीखी गई है, उसके बाद में खुद ने भी मतलब जो एक्सपेरिमेंट किए हैं। यहाँ धोखाधड़ी ये वाला सिस्टम नहीं है कि भाई अपन फेक वीडियो देखते हैं, है ना, जिसमें कुछ चीज़ दिखाते हैं, कुछ करते हैं, कुछ बोलते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे वो वाला सिस्टम नहीं, जो अपन ने किया है वो सारी चीज़ें अपन क्लियर कर रहे हैं, मतलब ताकि कोई भी किसान अंधविश्वास में नहीं रहे। हाँ बिल्कुल सर, आपने क्योंकि जो 13-40-13 जैसे थोड़ा सा पहले चला है तो उसका कारण क्या था ये भी आपने बताया है। बिल्कुल, ये अपने को लगा, वो भी अपने जब देखा कि यार इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, तो अपने को ऐसा लगा कि यार जो तने को मजबूत करने वाली चीज़ें वो अपन को पहले भी दे सकते हैं, और अपन ने वही कारण अपन ने उसको पहले भी दिया। का वीडियो पसंद आया हो लाइक करिएगा, खूब शेयर करिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा, और अभी भी दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। नमस्कार।